मानसकार ने बड़ी सुंदर बात कही। जिस समय श्री भरत जी महाराज ननिहाल में हैं और भगवान को वनवास हो गया, राम जी वन के लिए चले गए, श्री भरत जी लौट कर आए और भरत जी महाराज को जब पता चला कि मेरे कारण मेरे भगवान वनवासी हो गए, मानसकार कहते हैं पूरी मानस में, आप भरत जी के प्रसंग को उठा करके देखिए, भरत जी की पीड़ा क्या है, भरत जी का दुख क्या है, भरत जी का कष्ट क्या है। कहा केवल इतना दुख है भरत जी का कि मेरे कारण मेरे भगवान वनवासी हो गए, मेरे कारण मेरे राम जी वन के लिए चले गए, बस इतना दुख है। भरी सभा में बोले हैं, अयोध्या में जहाँ गुरुदेव बैठे हैं, जहाँ माताएं बैठी हैं, जहाँ सारे अयोध्या के मंत्रीगण प्रजागण सब बैठे हैं, उस भरी सभा में भरत बोले हैं, कैकई ने जो किया है, कैकई ने सबके लिए क्या क्या किया, तो भरत कहते हैं लखन राम सिए कहूं बन दीना। भगवान को, लक्ष्मण जी को, श्री जानकी जी को वनवासी बना दिया, पति को स्वर्गवासी बना दिया और कहा अपने लिए विधवपन ले लिया, विधवा बन गए, सौभाग्य चला गया। और श्री भरत कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे सुख दिया है कैकई ने, क्या दिया है, तो कहा मोहि दीन सुख सुजस सुराजो, मेरे लिए सुख दे दिया, मेरे लिए राज्य दे दिया, मुझे बड़ी सुजस यश दे दिया कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं। श्री भरत रोए हैं भरी सभा में, इन सब का कारण कैकई के मन में स्वार्थ बुद्धि आ गई। और एक बात याद रखो, तुम अपने पुत्र के लिए उत्कर्ष सोचो उसमें कोई बुराई नहीं, ध्यान देना, तुम अपनी संतान को आगे बढ़ना देखना चाहो तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी और को गिराकर, किसी और के भाग को छीनकर यदि अपनी संतान को आगे बढ़ाओगे तो महाराज जीवन में पतन ही मिलेगा, जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। कैकई ने जो भरत जी के लिए किया ना, भरत जी जीवन भर इस बात से दुखी रहे, ये अधिकार मेरे बड़े भाई का था, ये सिंहासन मेरे भगवान का था, ये राज्य सत्ता मेरे राम जी की थी, लेकिन राम जी के अधिकार को मेरी माँ ने छीन कर मुझे दिए। केवल एक ही कष्ट है। और एक चीज याद रखो, श्री भरत पूरे जीवन भर इसी कष्ट में रहे कि मेरे कारण इतना सब कुछ हो गया, पिता स्वर्गवासी हो गए, भगवान वनवासी हो गए, और किसने नहीं कहा, गुरुदेव ने कहा सिंहासन ले लो, माताओं ने कहा सिंहासन ले लो भरत, मंत्रियों ने कहा सिंहासन ले लो, प्रजा ने, एक एक व्यक्ति ने समर्थन किया, भरत जी हम आपके साथ हैं, आप सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओ। लेकिन अगर भरत सिंहासन ले लेते तो भी कोई गलत नहीं था, धर्म के अनुसार भी गलत नहीं था, व्यवहार के अनुसार भी गलत नहीं था, लेकिन भरत जी बोले हैं कैसे ले लूं, जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरे बड़े भाई का अधिकार है, उस बड़े भाई के अधिकार को कैसे छीनूं, जिस सिंहासन पर राम जी को बैठना है उस पर कैसे बैठ जाऊं। भरत जी का कष्ट ये, ध्यान देना, आज समाज में जो विघटन आ रहा है उसका मूल कारण ये है, भाई ही भाई के भाग को छीनने में लगा है, भाई ही भाई के अधिकार पर आधिपत्य जमाने में लगा है।
कई न्यायालयों में जाकर के देखिए महाराज, कितने मुकदमे इस बात के हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई की एक इंच जगह दबा ली, उसके लिए इतने मुकदमे चल रहे हैं। श्री भरत ने सिखाया, मेरा तो जन्म ही मेरे भगवान को दुख देने के लिए। क्यों भरत जी ने जीवन भर इस बात को पकड़ लिया, यदि कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ तो कैकेयी क्या भगवान श्री राम के अधिकार को छीनती। श्री भरत को लग रहा है ये सब जो हुआ है वो मैं ही उसका मूल कारण हूँ, यदि मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे राम जी को कष्ट भी नहीं होता। और महाराज एक क्षण के लिए सोच कर देखो, एक ओर भरत जी महाराज कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, मेरे समान दुनिया में पापी कौन होगा। और हमें ऐसा लगता है भरत जी का सूत्र है, सबसे बड़ा पापी दुनिया में वही है जो भाई के अधिकार को छीनने में लगा है, उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर कुछ करना है तो देना सीख, लेना मत सीख। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।